हेलो, वेलकम टू एकदम होम फूड्स। भाई आज हमने बनाई है भिंडी। बहुत सिंपल सी सब्जी है भिंडी। ये उनके लिए बनाई है जो भाई प्याज व्याज नहीं खाते, तो बिना प्याज की सब्जी बनाई है। तो स्पेशलिटी क्या है इस भिंडी की कि हमने इसको बनाया है इस एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर में ये देखिए मैंने बना के निकाल दी हुई है इसमें। तो ये जो है इस तरह से हम भिंडी बनाएंगे आज एयर फ्रायर में। इन आलसा का एयर फ्रायर है मेरे पास में, बहुत ही काम की चीज है और बहुत अच्छा भी है। बार बार आपको गैस के पास खड़े नहीं रहना पड़ता है। और अगर आपके पास चार गैजेट्स हैं तो आप चार चीजें एक साथ बना सकते हैं। दिस इज भिंडी एंड इट हैज कम आउट रियली वेरी वेल। अगर आपको थोड़ी क्रिस्प चाहिए तो इसका टाइमिंग थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भिंडी है मैंने बनाई है एग्जैक्टली अराउंड 20 मिनट्स में ये इस इनालसा के एयर फ्रायर में बन गई है, जिसमें कि तीन बार मैंने इसको बीच में निकाल के थोड़ा मिक्स किया है, अपसाइड डाउन किया है, एक बार आमचूर डाला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम भिंडी की सब्जी एयर फ्रायर के अंदर। और इस चैनल को जो मेरा फूड चैनल है तो आप बने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, पहली बार मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है, ताकि आपको जो मेरी नई रेसिपीज हैं वो पता चलती रहे। और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टिंग करके। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम भिंडी इन एयर फ्रायर। तो ये ले लिया हमने आधा किलो भिंडी, जिसको कि हमने धो के सुखा लेना है। सुखा लेना है यानी कि या तो आप फैन में सुखा लीजिए या तो कपड़े से उसको आप पोंछ लीजिए। और उसके बाद जो है इसकी इस तरह से दोनों तरफ की डंडियां इस तरह से आप निकाल लेंगे और इस तरह से आप उसको कट कर लेंगे। कटिंग का बिल्कुल ऑप्शन आपके ऊपर है। इफ यू वांट लंबा लंबा कट कर लीजिए, पतला कट कर लीजिए, मोटा कट कर लीजिए, जैसे आपकी कटिंग आपको पसंद है आप कर लीजिए। चाहिए तो आप इसको आधा आधा करके बीच में से चीरा लगा लीजिए, जैसे भरवा करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक आपने आधा किलो भिंडी का इस तरह से इसका तिया फांचा जो है करना है। साथ में मसाले हमको क्या चाहिए होंगे, मसाले चाहिए होंगे हमको जीरा, हमको चाहिए एक चम्मच जीरा ले लिया है हमने, कुछ 3/4 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों मिक्स करके ले सकते हैं। धनिया पाउडर हमने एक चम्मच ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी ले ली है, स्वाद अनुसार जो है नमक है स्वाद अनुसार आधा पौना चम्मच ले लिया है, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि भिंडी जो है वो बन के थोड़ी कम हो जाती है तो इसलिए नमक आप पहले कम ही लें। और साथ में ये आमचूर लिया, जो कि भिंडी जब 80% कुक हो जाएगी उसके बाद हम इसमें आमचूर डालते हैं। साथ ही हमने लिया ये ऑयल, फॉर्चून का जो है मस्टर्ड ऑयल है ये हमने लिया, जो कि हम आधी कड़छी यानी कि दाल जिससे हम खाते हैं उससे आधी कड़छी हम ये ऑयल ले लेंगे। और ऑफ कोर्स एयर फ्रायर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे अब ये हम भिंडी एयर फ्रायर के अंदर। हेलो, तो भाई देखिए एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर में आज एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है और ये भिंडी बन रही है इसमें। तो मैं ये भिंडी में जो है ना सारे मसाले जो भी हम डालते हैं मैं डाल देती हूँ। हमने डाल दिया नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, जस्ट मैं आज ट्रायल कर रही हूँ कि ये कैसा बनेगा। और जीरा भी मैं इसी में ही डाल देती हूँ और साथ में डाल दूंगी सरसों का थोड़ा तेल और इसको हम कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा तेल ज्यादा डालूंगी क्योंकि एयर फ्रायर में बना रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट बिकम्स। और इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, पूरा मसाला ऑयल नमक वगैरह ये अच्छे से पूरा मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया है, कम ज्यादा आपकी मर्जी है। और इसको हम लगाएंगे इसमें एयर फ्रायर में और हम इसको करते हैं 200 डिग्रीज पे। आई विल पुट इट फॉर 8 मिनट्स फर्स्ट, लेट सी 8 मिनट्स में कहीं जल तो नहीं जाएगी या फिर कुक हो जाएगी, वो हम 8 मिनट के बाद ही देखेंगे। तो ये देखिए 8 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम खोल के देखें कि भिंडी कैसी हुई है। ये इसको हम, ये अभी पूरी हुई नहीं है, मतलब ये 8 मिनट हमको इसके कम लगे हैं। तो मतलब ये है कि 8 मिनट के बाद हमें इसको और थोड़ा पकाना है। आई थिंक आई विल कीप इट फॉर अनादर 8 मिनट्स, लेकिन हाँ मुझे जो लग रहा है 8 मिनट में इसको निकाल के, 8 मिनट बाद इसको आप निकाल के आप इसको एक बार अपसाइड डाउन कर दीजिए और वापस इसको जो है हम अब 8 मिनट पे रख देते हैं सेम टेम्परेचर पे। विल मेक इट 200 डिग्रीज एंड टाइमिंग विल बी 8 मिनट्स एंड स्टार्ट। तो ये भाई अगले 8 मिनट भी हो गए कंप्लीट और अब देखिए अब तो भिंडी हमारी बन गई है बिल्कुल भाई। और एयर फ्रायर का तो बहुत ही बड़ा कमाल है भाई ये तो।
ये देखिए भिंडी हमारी बन गई है। अगर आपको लगे कि बीच में भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी बहुत नहीं हुई है, तो आप इसको फिर से एक बार रख सकते हैं। पर इस बार जो है हम क्या करते हैं, 8 मिनट हमने दोबारा रखा था, मतलब 8 मिनट पहले रखा, 8 मिनट और रखा, तो हो गए पूरे 16 मिनट। अब इसमें हम थोड़ा सा आमचूर डाल देते हैं। आमचूर जो है ना भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जब खट्टा डालते हैं ऐसे लेस वाली चीजों में तो उसकी लेस नहीं बनती है। तो हम इसको आमचूर डाल के ऐसा करते हैं कि 2 मिनट और इसको पका लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेस हमको दिख रही है भिंडी में, ये लेस नहीं होगी तो अच्छा होगा। टेम्परेचर वही हम 200 डिग्री रखेंगे और टाइमिंग को हम इसको 2 मिनट या 3 मिनट रख देते हैं हम इसको। तो हमारी जो भिंडी है अब पक के तैयार हो गई है, हम बंद कर देते हैं, 3 मिनट भी हमारे हो गए हैं। तो देखिए कि भाई कैसा बना है, ये देखिए ये हमारी भिंडी जो है एयर फ्रायर में बन गई है। डिपेंड्स आपको कैसी चाहिए, किसी किसी को थोड़ी सी सॉगी टाइप चाहिए होती है, किसी को थोड़ी और क्रिस्प चाहिए होती है। अगर डिपेंड करता है आपको क्रिस्प चाहिए तो आप इसको और थोड़ी सी देर पका लीजिए, और जैसे नॉर्मल रोटी के साथ खाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके की भिंडी बनके तैयार हुई है, जो रोजमर्रा की सब्जी जो घर में बनती है। जिस तरह की इसमें प्याज नहीं डाले, आप चाहे तो उसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके आपको बता रही हूँ। तो हमारी एयर फ्रायर में जो है देखिए भिंडी बनके रेडी हो गई है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हैसल नहीं है इसमें। पर इसके लिए अगर आपको एयर फ्रायर की रेसिपीज और चाहिए तो भाई मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और जो एयर फ्रायर की रेसिपीज है मैं आपके साथ और भी शेयर करती रहूंगी, बहुत ही यमी रेसिपीज है। आप इसमें देखिए, इसमें काफी जो तेल आप देख सकते हो नीचे बैठ गया है, अगर आप इसको कम तेल में भी बनाए ना तो ये बहुत अच्छी सब्जी बनके इसमें तैयार होगी। तो मेरा तेल थोड़ा ज्यादा मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन आप इस तेल की मात्रा कम कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा करछी टाइप तेल डाला था सरसों का, आप आधा कर सकते हैं उसको। तो बने रहिए मेरे साथ और बनाइए ये अच्छी अच्छी चीजें क्विक, और ताकि क्या होता है किचन में जो आपके कुकिंग है ना ये बहुत इजी हो जाती है। ऐसे सब कुछ गैजेट्स अगर आपके पास होते हैं किचन में तो आपकी कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। गैस हुआ, माइक्रोवेव हुआ, एयर फ्रायर हुआ, इंडक्शन हुआ, 4-5 चीजें हैं, तो आप आधे घंटे के अंदर काफी सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये एयर फ्रायर जो है मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही यूजफुल चीज है। तो अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिए और जरूर ट्राई कीजिए इसमें काफी सारी रेसिपीज, और मेरे चैनल पर देखते रहिए कि मैंने कौन सी और भी एयर फ्रायर की रेसिपीज शेयर की हैं।